एक मंदिर के पास फलों की दुकान थी जो एक सुंदर युवती की थी। गांव के सारे लोग उस युवती के दुकान से ही फल खरीदते थे। रोज सुबह उसके दुकान से फल खरीदने लोग आते और फल खरीदकर ईश्वर को चढ़ावा चढ़ाते। युवती नाप तौल में बहुत पक्की थी, सबको सही नाप तौल से ही फल देती थी। हर रोज पास ही एक पेड़ के नीचे एक साधु मन का गिनते हुए माला जपते हुए उस युवती को देखता था। एक रोज एक युवक उस फल की दुकान पर आया तो युवती ने बिना नाप तौल के ही उसे टोकरे भर के फल दे दिए, पैसे भी ना लिए। साधु ने जब ये सब देखा तो उसने आश्चर्य से पास बैठे एक व्यक्ति से पूछा, रोज देखता हूँ यह युवती नाप तौल के ही वो फल सबको देती है, फिर आज उस युवक को बिना तौल के ही टोकरे भर कर फल क्यों दे दिए? वो व्यक्ति इसी गांव का था। उसने कहा, साधुदेव, ये युवती दरअसल उस युवक से प्रेम करती है, इसलिए ऐसा किया। व्यक्ति की बात सुनते ही साधु ने कहा, ये युवती तो सच्ची प्रेमी है, इसका प्यार कितना सच्चा है, ये उस युवक को टोकरे भर कर फल दे दी बिना नाप तौल किए, क्योंकि उससे प्रेम करती है। और एक मैं हूँ जो दिन रात मन के गिन गिन कर अपने प्रभु को याद करता हूँ, उनकी भक्ति करता हूँ, मैं भी तो अपने प्रभु से प्रेम करता हूँ, फिर ये गिनकर हिसाब किताब क्यों? साधुदेव ने उसी समय मन का तोड़ दिया और फैसला किया कि अब से असीमित रूप से दिन रात प्रभु को भजूंगा। दोस्तों, सच्चा प्रेम वह है जिसमें कोई गणित यानी हिसाब किताब नहीं होता। अगर हिसाब किताब है तो वहाँ सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तो एक भावना है जो निस्वार्थ होती है, इसे सिर्फ महसूस किया जाता है, तौला नहीं जा सकता, इसे सिर्फ प्राप्त किया जा सकता है, खरीदा नहीं जा सकता। महाभारत में एक कथा वर्णित है कि सत्यभामा ने गर्भ में भगवान श्री कृष्ण को दान कर दिया, फिर बदले में उन्हें आभूषणों से तौला कि उनके बराबर ही धन दान करूंगी, लेकिन ईश्वर तो लोभ धन इन सब से परे सिर्फ प्रेम के आगे ही हारे हैं। सर्वस्व दान करके भी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को तौल ना पाई तो माता रुक्मिणी ने एक तुलसी दल ही प्रेम भाव से तराजू पर रखकर उन्हें जीत लिया। प्रेम वो है जो ईश्वर को भी विवश कर देता है भक्त के पास आने को। प्रेम वो है जिसका न आदि है न अंत, बस एक स्नेहमयी धारा है जो अनवरत बह रही है, लेकिन इसमें बहने के लिए सिर्फ एक निश्चल और निस्वार्थ मन चाहिए। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।